वाला डेली रूटीन हमारी। जी यहाँ पे हमारी हो चुकी है सुबह और रात की रखी हुई थी रोटी, तो उसी से ही हमने नाश्ता किया सबने, माशाल्लाह से नाश्ता हमारा यहाँ पे हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और जो भी जहाँ बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत कामला वाली लंबी जिंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ अपने ब्लॉग का हम आगाज करते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता हमने कर लिया है और उसके बाद सारी सफाई भी कर ली है, अभी आपको दिखाते हैं कि हमने घर को कैसे नीट एंड क्लीन किया है और जुड़े रहे हमारे साथ। तो जी यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैंने सारी जो सफाई है वो कर ली है, कल कपड़े नहीं सी सकी थी तो आज यहाँ पे कपड़े सीऊँगी। और ये देखें जी यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर ली है और ये बरामदे तक, और ये बर्तन भी सारे धो दिए। और आज मैंने यहाँ पे पर्दा धोया था, लगा ही नहीं सकी थी, टाइम ही नहीं मिला, आज मैंने पर्दा लगाया क्योंकि मक्खियाँ जो हैं इतना तंग करती हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सारा नीट एंड क्लीन कर लिया है तो अब बस जुम्मे का टाइम हो रहा है। अब आखिरी दिन है, आपको एक आखिरी दिन मुबारक हो। और अब जुम्मे का टाइम हो रहा है, अब बस जुम्मा पढ़ते हैं, काम करते करते इतनी देर लग गई। खैर मुबारक आप सबको भी हमारी तरफ से, ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इधर ही सारे ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे, आज सब ने इधर धाबा बोला हुआ है। और ये बैठी है शुमाला डेली रूटीन, आप भी आए हमें ज्वाइन करें अब्बू के घर, कोल्ड ड्रिंक पिए, मुझे सारे कैमरा लेके पड़ते हो सारे दिन हम जब लगी था मम्मी मोबाइल मके ना क्योंकि तो काम होना, मैं अपने आप को ट्राई करने में ठीक है। अब बहुत हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 लो भाई ये हमारी और हम आए हुए हैं अभी उनके घर, तो आपको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो, यहाँ पे सब आए हुए हैं मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को ईद का तीसरा दिन मुबारक हो, उम्मीद है आप लोगों की भी अच्छी ईद गुजरी होगी अपने घर में अपने प्यारों के साथ, बाकी हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर व्लॉगर इकट्ठे में पड़े हैं, ये देखें ये है सलमा जवार व्लॉगर और ये हैं ब्रेव क्वीन। और ये है शुमाला डेली रूटीन। यहाँ पे हमने खाना बनाना शुरू कर दिया है और चावल बना रहे हैं यानी कि पुलाव। तो चावल जो है सादा से तरीके से बना रहे हैं, तो ये चावल मैंने बनाए थे अम्मी की, आज कुछ तबीयत सही नहीं थी तो अम्मी ने फ़ोन किया था कि चले मैं आए हुए हैं लुबना आप भी और भी आप भी आ जाओ। और हम जब भी आते हैं अम्मी और के घर तो सारे बच्चे जो हैं मिलके यहाँ पे रिक्शे में चढ़ लेते हैं, तो कोई ड्राइवर बन जाता है, कोई सवारी बन जाते हैं, तो ये बच्चे सारे बस रिक्शे में ही खेलते रहते हैं। वैसे माशाल्लाह से इनका सहन भी बड़ा सारा है और बाहर भी काफ़ी जगह अच्छी है, तो बच्चे यहाँ पे सारा ना यहीं पे खेलते रहते हैं। और मैं जी यहाँ पे बना रही हूँ चावल और यहाँ पे मुझे धुआं भी आ रहा था, तबीयत मेरी बस ऐसी हो रही थी क्योंकि हम आग पे ज़्यादा नहीं बनाते, तो मैं तो सिलेंडर पे हम बनाते हैं या फिर गैस पे बनाते हैं, तो मज़ा तो आता है आग पे बनाने का लेकिन जो आँखें होती हैं ना आँखों में बड़ी जलन और दर्द हो जाता है धुएँ की वजह से। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है चावलों में और सारी भुनाई वगैरह जो है कर ली है, तो बस अब थोड़ी देर में चावल डालते हैं और चावल हमारे रेडी हो जाएंगे।
अब हम आ चुके हैं वापसी घर और आते ही बनाई है मैंने चाय। तो दूध मैं अम्मी और के घर से लाई थी, भाभी की अम्मी थी वो गांव से आई थी, तो वहां से वो दूध लेके आई थी। तो भाभी ने कहा कि मैं चाय बनाती हूँ, मैंने कहा नहीं चाय यहाँ नहीं बनाते, अब मुझे थोड़ा सा दूध दे दो हम घर बना लेंगे। यहाँ पे जो दूध मिलता है ना बस वो खालिस ही नहीं होता, बस यहाँ की चाय पी पी के। तो मैंने कहा चलें ये दूध लेके चलते हैं और इसकी चाय पीते हैं, वहाँ का जो दूध होता है ना बहुत ही खालिस होता है। तो वो जलालपुर से आई हुई थी अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो मैं वहाँ से ये दूध लाई हूँ, अभी चाय बनाते हैं और पीते हैं। अगर आपने चाय पीनी है तो हमारे साथ आकर चाय पिए। चाय यहाँ पे बन गई है और यह है हस्बैंड की चाय और यह है मेरी। तो हस्बैंड जो है वो ऊपर है, अभी चलते हैं उनको चाय दे के आते हैं। और आज मौसम भी बड़ा ही प्यारा बना हुआ है। जाती पकड़ो, ये है मेरा छोटा सा बागड़ बिल्ला और ये देखो बागड़ बिल्ला, ये है हमारा छोटा सा बागड़ बिल्ला। यहाँ पे माशाल्लाह से मौसम इतना कोई प्यारा हो रहा है और बादल हो रहे हैं हल्के हल्के से, देखें आसमान का कलर इतना प्यारा लग रहा है और परिंदे चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं बेखौफ बेफिक्र, ना इनका कोई टेंशन ना परेशानी। अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारी मखलूक बनाई है ये परिंदे माशाल्लाह से, देखें इनको देख के इतना दिल खुश होता है, बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है। मैं तो जब भी देखती हूँ दिल करता है बस इनको देखते ही रहें। और देखें यहाँ पे इतने ज़्यादा परिंदे थे, कुछ आ रहे थे कुछ अपने घरों को वापसी जा रहे थे, क्योंकि ये असर के बाद का टाइम है। तो यहाँ पे परिंदे अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं, अपने अपने आशियानों में। और यहाँ पे बादल हो रहे हैं तो शायद हो सकता है कि बारिश हो जाए। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और ईद का तीसरा दिन है, लेकिन कहीं घूमने जा नहीं सकते क्योंकि आजकल हर जगह घूमने वाली जगहों पे इतना ज़्यादा रश होगा कि ईद के जो दो तीन दिन होते हैं उनमें इतना ज़्यादा रश होता है हर जगह पे। तो हम तो नहीं जाते ईद के दिनों में, बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे, तो इतने ज़्यादा रश में जाना मुनासिब नहीं होता। तो हम इंशाल्लाह यानी कि हफ्ते के बाद जाएंगे ताकि रश जो हो कम हो जाए और फिर बच्चों को लेके जाएँ तो मज़ा भी आए, क्योंकि इतने रश में तो मज़ा भी नहीं आता और बच्चे भी डर लगता है कि कोई गुम हो जाए या कोई गिर गुरा जाए, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। इस घर में आपको हर साइज का बच्चा मिलेगा माशाल्लाह से, ये है 8 महीने का, इससे बड़ा है 4.5-3 साल का, उससे बड़ी है 5 साल की, फिर उससे बड़ी है 6 साल की, फिर उससे बड़ा है ये 9 साल का, फिर उससे बड़ी है मोइज़ है 11 साल का, फिर उससे बड़ा हसीब है 13 साल का, सॉरी नबिया है 12 साल की, फिर हसीब है 13 साल का। रात का टाइम हो रहा है और यहाँ पे देखें जी बारिश हो गई है शुरू, और देखें बिजली भी गरज रही है। आज दोपहर से ही लग रहा था कि बारिश होगी। हो रही है बारिश और बारिश भी थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो अपने ब्लॉग का हम यहाँ पे एंड करते हैं। हो सकता है कि लाइट चली जाए, तो लाइट के जाने से पहले पहले वीडियो को अपलोड करते हैं। आज का ब्लॉग जो था हमारा यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए आगाज के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।